सच्चे दरबार की जय, रुणिचा धाम की जय, अजमल घर अवतार री जय, भक्तों के भगवान की जय। आखिर क्या हुआ जब रुणिचा धाम जाती एक बस को चोरों ने आधी रात को बीच रस्ते में रोक लिया? क्या वो चोर अपने मकसद में कामयाब हो पाए? गुजरात का एक बहुत बड़ा सेठ बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात पहले बाबा रामदेव की पूजा करता, उसके बाद अपने काम पर जाता। काफी दिन हो गए वह बाबा रामदेव जी के धाम रुणिचा नहीं जा पा रहा था। एक दिन उसने मन बनाया कि काफी टाइम हो गया, बाबा के दर्शन के लिए रामदेवरा नहीं गए। ऐसा सोचकर वह रुणिचा धाम जाने की तैयारी करने लगा। उसने सोचा क्यों ना बाबा के दर्शन पूरे परिवार के साथ किए जाए। ऐसा मन बनाकर उसने एक बस किराए पर की और बाकी भक्तों के साथ रामदेवरा की ओर रवाना हो गए। वे सब भक्त रस्ते में हंसते बातें करते जा रहे थे। इसी बीच शाम होते होते सबको भूख लगी तो खाना खाने के लिए बीच रस्ते में कहीं रेस्टोरेंट पर बस को रोक लिया। अब बात होती है जी यहीं से शुरू। हुआ कुछ यूं कि उस रेस्टोरेंट में एक वेटर काम करता था जो वहां आने वाले यात्रियों की खबर लुटेरों के मुखिया को दे देता था। कब यात्री आए, कितने लोग हैं, कब निकले, सब खबर वह अपने मुखिया तक पहुंचा देता था। उस वेटर ने जैसे ही उन यात्रियों से भरी बस को देखा और उस सेठ के आलिशान ठाट बाट देखे तो उसने ये खबर अपने मुखिया को दे दी, क्योंकि रामदेवरा जाने का यही एकमात्र रास्ता था जो आगे 4-5 किलोमीटर चलकर घनी झाड़ियों और घोर जंगलों से होकर निकलता था। सभी यात्रियों ने खाना खाया और आराम से बस में बैठकर फिर से रामदेवरा की ओर रवाना हो गए। उन बेचारों को क्या पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। चल दिए अपने रास्ते पर बाबा रामसा पीर का भजन कीर्तन करते हुए। बड़े ही आराम से, बड़ी ही मस्ती से बाबा के भजनों में मग्न बस ड्राइवर अपनी मस्ती से बस चलाता हुआ जा रहा था तो जैसे ही उस जंगल के बीच रस्ते में आए, वहां का रास्ता घोर अंधेरे से ढका हुआ था। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी भक्त बाबा की मस्ती में मग्न थे। किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन से खतरे की तरफ बढ़ चुके हैं। अचानक से क्या हुआ कि एकदम से बस के टायर में से पटाखे जैसी कुछ आवाज आई और बस वही बीहड़ जंगल में अपने आप रुक गई तो सभी भक्तगण एकदम से सहम से गए कि क्या हुआ। ड्राइवर ने कहा कुछ नहीं, मैं देखता हूं। जैसे ही ड्राइवर ने नीचे उतर देखा कि बीच सड़क पर चारों ओर लोहे की किलों से गड़े हुए फटे पड़े हैं, जिनमें से एक लोहे की किलो वाला फटा बस के टायर के नीचे आ गया था, जिससे किल की वजह से बस का टायर पंचर हो गया था। इससे ज्यादा वो भक्तजन और ड्राइवर कुछ समझ पाते कि 5-6 लोगों ने उनको घेर लिया। उन लोगों के मुंह काले कपड़ों से ढके हुए थे, हाथ में कुछ हथियार भी थे, पक्के वे लुटेरे थे जो उन जंगलों से आने जाने वालों को अपने तरीकों से लूटते हैं। उन लुटेरों ने बस को घेर लिया, कुछ तो बस में घुस गए थे। सभी भक्तजन डर गए कि अब क्या होने वाला है। सबको अपनी अपनी जान की चिंता होने लगी। उन लुटेरों ने जैसे ही उन सेठ जी के गर्दन पर कुछ नुकीला हथियार जैसा रखा तो सेठानी बहुत डर गई और रोते रोते बाबा रामसा पीर को याद करने लगी। हे रामसा पीर, हे दुखिया रादाता, ये कैसी परीक्षा है भगवन, आपके होते ये कैसा अनर्थ हो रहा है प्रभु। हे सुगणा राबीर, आज कुछ ऐसा अनर्थ मत होने देना बाबा कि आपके भक्तों का विश्वास आपसे उठ जाए। हे बाबा दया करो, कुछ ऐसा चमत्कार करो बाबा कि हमारा विश्वास आप पर दोगुना हो जाए। आपने कितने चोरों और लुटेरों को सबक सिखाया है तो फिर अब देर क्यों प्रभु। सेठानी और बाकी लोग सब बाबा रामसा पीर जी को याद कर ही रहे थे कि उनमें से एक चोर चिल्लाया, ए चुप, बकवास बंद करो और अपने अपने गहने उतारो, रुपया पैसा सब रखो यहाँ पर। ज्यादा कोई बोला या रोया चिल्लाया तो यही भुन दूंगा सबको। चोरों का इतना कहना था कि सबके सब भयभीत हो गए और जहां बैठे थे वही दुबक कर बैठ गए। इतने में क्या हुआ कि वहां भक्तजनों को दूर दूर से आ रही धीमी धीमी घोड़े की चाल जैसा कुछ सुनाई दे रहा था। कुछ को लगा ऐसे ही होगा, पर वो सेठ जी समझ गए थे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, बाबा अपनी करामात दिखाने वाले हैं। थोड़ी सी ही देर में वो आवाज और भी साफ हो गई। वो लुटेरे कुछ समझते इससे पहले ही घोड़े पर से एक नौजवान युवक उतरा जिसने हाथ में कुछ तलवार जैसा ले रखा था जो कि लकड़ी का बना हुआ था और उस नौजवान के मुख से काफी तेज भी चमक रहा था। जैसे ही वो लुटेरे उस युवक की ओर लपके तो उस प्रकाश से ही वो अंधे हो गए, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने साथियों को इस हालात में देखकर बाकी के लुटेरों ने जैसे ही अपने हथियारों का प्रयोग करना चाहा तो
सबके हाथ बर्फ की तरह वहीं जम गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उन लुटेरों के कि क्या हो रहा है। वो हाथ पैर से हीन हो गए थे। उसके बाद वो चोर वहीं धड़ाम से अपने आप नीचे गिर गए। फिर वो तेजस्वी युवक बस की तरफ आया और बस के टायर को जैसे ही उसने अपने हाथों से छुआ तो वो लोहे वाली कील अपने आप बाहर निकल गई और टायर भी सही हो गया। इससे पहले कि वो भक्तजन बाबा की इस महिमा को समझते, वो नवयुवक जैसे आया था घोड़े की रफ्तार से, वैसे ही देखते दूसरी दिशा में अंतर्ध्यान हो गया। सभी भक्तों को मामला समझते देर नहीं लगी कि ये युवक कोई और नहीं बल्कि साक्षात रामसा पीर स्वयं थे जो अपने भक्तों की रक्षा करने आए थे। ये दृश्य देख सभी भक्तजनों की आंखों से प्रेम के आंसू निकल पड़े। सभी ने जोर से रामसा पीर का जयकार लगाया और बस स्टार्ट करके चल पड़े रोणिचा धाम की ओर। इधर उन लुटेरों का बुरा हाल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसी घटना घटी उनके साथ। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अचानक से दूसरे किसी लुटेरे ने कहा, शायद हम कुछ भूल रहे हैं। उस बस पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, स्पेशल यात्रा रुणिचा धाम की। शायद हम माने या न माने, लेकिन हो सकता है ये बाबा रामदेव जी का ही कोई चमत्कार हो। जैसे ही उन लुटेरों ने यह अनुमान लगाया तो उनको और भी दर्द उठने लगा। वो चिल्लाने लगे, हे राम सा पीर, हम आपके भक्त तो नहीं है पर दुनिया में आपका बहुत नाम सुना है बाबा। हम नहीं जानते बाबा आपके बारे में, लेकिन हमसे बहुत भूल हुई है बड़ी जो हमने आपके भक्तों को निशाना बनाया। बाबा हमें माफ कर दीजिए और अपनी छत्र छाया में ले लीजिए प्रभु। आगे बोले, अगर वास्तव में रुणिचा धाम में कोई शक्ति है तो हमें अपना करिश्मा दिखाइए बाबा। सुना है आप तो भूले भटकों को राह दिखाते हैं। दया कीजिए दया के सागर राम सा पीर। तभी उनके दिल से आवाज उठी कि हमें रामदेवरा जाना चाहिए और बाबा से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। कहते ना कि राम सा पीर तो इतने दयालु है कि सच्चे मन से याद कर ले तो उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद वो लुटेरे रुणिचा धाम की ओर निकल पड़े। उनके हालात बहुत खराब थे। जैसे ही वो रुणिचा धाम में मंदिर में लगी लाइन में पहुंचे तो बाकी भक्तजन उनके इस हालात को देखकर हैरान थे। लाइन में लगे सभी भक्तों को उन पर दया आ गई और अपने से पहले उनको लाइन में दर्शन के लिए आगे जाने दिया। सभी भक्तजनों के सहयोग से वो बाबा के सम्मुख आ गए और जैसे ही बाबा के सामने आए वहीं पर नीचे धड़ाम से गिर पड़े। सभी मौजूद वहां लोग ये देखकर और भी हैरान हो गए थे। वो लुटेरे जोर जोर से बाबा के सामने हाथ जोड़कर विलाप करने लगे। उनकी उस दयनीय और बुरी दशा को देखकर करुणामय रामसा पीर का दिल भी पिघल गया। बाबा ने उन पर दया दिखाई और हाथों हाथ परचा दिया कि उन लुटेरों के हाथ पैर ठीक हो गए और उन्हें दर्द से भी राहत मिल गया, जिससे कि उनके शरीर को शकुन सा मिल गया। जैसे ही उनको पर्चा हुआ वो लोग वहीं उठकर अचानक से पूरे जोश के साथ रामसा पीर का जय जयकार लगाने लगे और नाचने लगे। वहां मौजूद हर एक भक्त ये देखकर हतप्रभ था। बाबा रामसा पीर जी के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। इतने बड़े चमत्कार की चर्चा चारों ओर होने लगी। जिसने भी सुना, हर कोई बाबा रामसा पीर के इस चमत्कार से हैरान थे। और हैरान हो भी क्यों ना, बाबा रामदेव जी तो कलयुग में श्री हरि भगवान विष्णु के वो अवतार है जिसने बहुत बड़े बड़े पर्चे दिए हैं। भक्तों के लाखों काम बाबा ने बनाए हैं। बाबा राम सा पीर की पूजा हर गली गली हर नगर नगर में होती है। कलयुग में तो ये ऐसे सच्चे पर्चे देते हैं कि दिन में भी तारे दिखा दे। बाबा के भक्त बहुत किस्मत वाले हैं जो उनको राम सा पीर जैसा भगवान मिला। उनकी भक्ति करने का सौभाग्य मिला जो हर किसी को नहीं मिलता। जितना बताऊं बाबा के बारे में उतना ही कम है। अगर आप कभी रुणिचा धाम नहीं गए तो राजस्थान में बसे इस पावन धाम में जरूर जाना। फिर देखना आपकी भी सोई हुई तकदीर कैसे जगती है। क्या आप भी बाबा रामसा पीर के दर्शन के लिए कभी गए हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना की खबर है तो हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आपके साथ हुए चमत्कारों को दुनिया को दिखा सके। हमारी ईमेल आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी के साथ बने रहिएगा हमारे इस चैनल धार्मिक इंडिया पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जय बाबा राम सा पीर, जय रुणिचेरा धनिया,